टीएमसी कुचलने वाली पार्टी है। टीएमसी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता करी राजा क्या है। लोकसभा चुनाव की शुरुआत के साथ ही राजनीति तेज हो गई है। लगातार सभी पार्टियों की तरफ से चुनावी सभाएं की जा रही हैं और उन्हीं सभाओं में कटाक्ष भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल में ईडी, एनआईए और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्यवाही को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए जमकर हमला बोला। ईद उल फितर के मौके पर कोलकाता के रेड रोड पर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने अपने भाषण की शुरुआत शायरी से की कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता करी राजा क्या है, और कहा कि कोई भी अगर दंगा करने आता है तो आप चुपचाप रहिए, अपना माथा ठंडा रखिए। यदि कोई ब्लास्ट होता है तो वह एनआईए को भेज देते हैं कि सबको गिरफ्तार कर लो। सबको गिरफ्तार करते करते आपका देश एक दिन सूना हो जाएगा। हम सुंदर आसमान चाहते हैं, जिसके लिए सभी का साथ रहना जरूरी है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले टीएमसी और भाजपा के बीच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल बम विस्फोट मामले में शनिवार 6 अप्रैल को पूर्वी मिदनापुर जिले के भूपतिनगर में एनआईए की टीम छापा मारने गई थी। छापे के दौरान टीम पर हमला हुआ। इस घटना को लेकर पीएम मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई, जहां पीएम मोदी ने टीएमसी पर संविधान बर्बाद करने और भ्रष्ट नेताओं को बचाने का आरोप लगाया था, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने भी केंद्रीय जांच एजेंसियां तृणमूल नेताओं को बीजेपी में शामिल होने के लिए धमकियां दे रही हैं, जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में रविवार 7 अप्रैल को एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी पर जमकर हमला बोला और जनता से टीएमसी का सफाया करने को कहा। आगे क्या कुछ कहा सुने। टीएमसी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। सबक सिखाओगे? टीएमसी को सबक सिखाओगे? बराबर सबक सिखाओगे? मजबूती से सबक सिखाओगे? टीएमसी चाहती है कि उसके तोलाबाजों को, भ्रष्टाचारी नेताओं को आतंक का खुला लाइसेंस मिले, इसलिए जब केंद्र की जांच एजेंसियां आती है तो टीएमसी उन पर हमले करती है, औरों से करवाती है। टीएमसी कानून और संविधान को कुचलने वाली पार्टी है। इसी बीच जुबानी जंग तेज होता देख एनआईए की तरफ से बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि वह बिना गलत इरादे के छापे के लिए पहुंची थी, लेकिन टीम पर हमला कर दिया गया। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें जनहित टाइम्स।